नमस्कार, मैं हूँ रुक्मणी, आप देख रहे हैं ग्रामीण का। इस समय हम खड़े हुए दाल बाजार में, जहाँ पर चैम्बर के चुनाव के लिए बिल्कुल प्रचार प्रसार समातन दूर से जारी है। इस समय यहाँ पर व्हाइट हाउस के प्रवीण अग्रवाल जी, जो कि अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने नामांकन भराया, अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं यहाँ से दाल बाजार में। और इस समय काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, काफ़ी व्यापारियों से मिलना जुलना और उनसे अपनी तरफ वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करना। आइए बात करते हैं प्रवीण जी से, क्या कैसा प्रचार चल रहा है? ले लो था, बड़े प्रेम से खिलाया बंटी आए। अभूतपूर्व समर्थन पूरे व्हाइट हाउस की टीम को हो रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस ने जो बड़ा परिवर्तन किया है, यूथ को आगे लाया है। चेम्बर ऑफ कॉमर्स अगले 25 वर्ष के अगले यूथ के हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है, जो आगे बढ़ते व्हाइट हाउस। दूसरी तरफ वही जो क्रिएटिव हाउस के विजय मोहन जी, उन्होंने बयान जारी किया है कि जो जगदीश कुशवाहा, जिसकी मृत्यु के उपरांत सदस्यों ने कुछ 2-2.5 लाख रुपये खर्च किया था, वो आपने अपने पास तक रखा है, वो उसको परिवार को दिया नहीं है अभी तक, ऐसा कहना है उनका। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो उसकी मानसिकता है, क्योंकि वो बड़े हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब जगदीश कुशवाहा का निधन हुआ था, प्रवीण अग्रवाल अंत्येष्टि में उसकी था और वो अल्ताफ रजा को रिसीव कर रही, जो कि प्रवीण अग्रवाल के हृदय में मानवता धड़कती है। कैसे का मैं बता रहा हूँ, पूरी बात सुनिए। प्रवीण अग्रवाल के हृदय में मानवता धड़कती है। जगदीश कुशवाहा को उसकी ग्रेचुटी का पैसा 1 लाख रुपये अतिरिक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स से दिया गया। उसके बाद मानवता को ऊपर रखकर हमने सोचा कि उसकी 2 बेटियाँ हैं, दो बेटियों का जब विवाह हो तो उन्हें जगदीश कुशवाहा की कमी आर्थिक रूप से ना करें। उसके लिए हमने अपने सदस्यों से आह्वान किया। लगभग 1,20,000 रुपया हमारे सदस्यों ने आगे बढ़ के, इसमें मेरा भी कुछ अंशदान है, आगे बढ़कर उसकी सहयोग राशि दी। वो नकद चाहते थे, हमने ये कहा कि ये राशि आपको नकद नहीं मिलेगी, ये जब विवाह होगा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उस बेटी के नाम पर FD बनेगी और उस बेटी के विवाह पर ही टूटेगी। वो पैसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिजर्व कोष में शामिल है, जो चैम्बर के खातों में अध्यक्ष चाहे तो उन्होंने 4 साल चैम्बर को नहीं देखा उस नज़रिए से, अब देख लें कि वो वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है कि बाहर है। इसके साथ वो एक सूची भी है जिसमें किसने कितना पैसा दिया, जो व्हाट्सएप पर भी जारी की गई थी और लिखित में भी वह सूची रखी है। अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय अपने निजी कामों से हट के निकाल लें, जो 4 साल नहीं निकाल पाए और वहाँ पर वहाँ जाकर देख ले और देखने के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और आप भी ये बात निश्चित रूप से जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुख्यालय से पूछिए, अकाउंटेंट से पूछिए कि वो पैसा कहाँ है, वो आपको बता दिया। जगदीश कुशवाहा जी का जो चैम्बर में कर्मचारी थे, जिनका जिनके द्वारा पढ़ने से आकर देहांत हो गया था, उनके लिए चैम्बर के कर्मचारी ने कुछ 2-2.5 लाख रुपये इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो पैसा आज तक उस परिवार को नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ हमने यही सवाल जो उस समय के मानसिक सचिव रहे हैं प्रवीण अग्रवाल जी, उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जो हमारी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा एक तरफ कि ये पैसा जो है उसकी FD हो चुकी है, वो शादी हो जाएगी तो बच्चों भी टूटता जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो चैम्बर के कोषाध्यक्ष हैं, अकाउंटेंट हैं, आप उनसे जाके पूछिए। ये क्या मामला है जिसको लेकर के आप क्या कहना है? जगदीश कुशवाहा जी के आकस्मिक निधन का सभी को दुख था, खासकर चैम्बर के सभी कार्यकारी और चैम्बर का स्टाफ बहुत द्रवित था इस घटना के बाद, क्योंकि उनकी ऑन ड्यूटी थी। उनके लिए कार्यकारिणी सदस्यों और चैम्बर के सदस्यों द्वारा फंड इकट्ठा किया था उनके परिवार की मदद के लिए, और वो नगद स्वरूप में फंड था और जिसका चैम्बर के फंड से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। मैंने मानसेवी सचिव को ये निर्देश दिए थे कि वो उस पैसे को इकट्ठा करके तुरंत उस परिवार तक पहुँचा दे, उसका तात्कालिक सहायता राशि दी, शादियों के लिए उसको देने का कोई लेना देना नहीं था। मुझे अभी जब चुनाव के दौरान किसी ने मेरे से जब ये सवाल पूछा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि वो राशि, मैं तो इस विश्वास में था कि मानसेवी सचिव ने उस परिजनों को तक वो राशि जो भी है वो पहुंचा दी होगी और उसका एक हिसाब भेज दिया होगा कि इस व्यक्ति ने इतना इतना दिया। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो राशि उस परिवार को अभी तक नहीं मिली। आज हम जानते हैं कि एक पीड़ित परिवार होता है और उसको तत्काल सहायता राशि मिल जाती है तो उसकी काफ़ी उससे मदद होती है, और उसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, उनको भी पैसे की आवश्यकता थी। मेरी पूरी पूरी सहानुभूति जगदीश कुशवाहा जी। इस मामले में सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो पैसा था वो पैसा फंड के रूप में इकट्ठा किया गया था और उस पैसे का कोई दुरुपयोग किया गया है, तो क्या क्लब के आपके जो मैम चैम्बर के कर्मचारी हैं वो नहीं? देखिए उसको है ना, ये पैसा वास्तव में चैम्बर के फंड से इसका दूर दूर तक ना तो उसकी कोई FDR होनी थी ना हो सकती थी, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पैसा नहीं था।
ये गरीब की सहायता के लिए पैसा इकट्ठा किया गया और ये वास्तव में अमानत में खयानत वाला मामला है। अगर अभी तक वो पैसा नहीं गया है तो अमानत में खयानत है। ना चैम्बर में इसको रखा जा सकता है पैसे को, ना चैम्बर के फंड में जमा किया जा सकता है, ना चैम्बर के बैंक अकाउंट में जमा किया जा सकता है, ना चैम्बर FDR बनवा सकता है इसको। नहीं, हमारा ये कहना है कि जैसे मान लो अभी जगदीश कुशवाहा जी की डेथ होगी, अभी आप अध्यक्ष थे, अब भगवान करे आप जीते या वो जीते, या भविष्य में आप रहे या ना रहे या वो रहे या ना रहे, उस दौरान कौन उस अधिकार को मांगेगा? क्या ये चैम्बर उनको देगा ये पैसा? कैसे देगा? वही मेरे को, मैं अभी ये चुनाव आप 7 दिन का निपट जाए, मेरी पहली प्राथमिकता जगदीश कुशवाहा के परिवार को न्याय दिलाने की, उसका पैसा जिस भी किसी के पास होगा उससे निकाल कर उस परिवार तक पहुँचाना मेरी प्राथमिकता।